शौचालय होना कोई गंभीर समस्या नहीं है, यह आम बात है और हर व्यक्ति को कभी ना कभी जीभ या मुंह में छाले की समस्या होती है। वैसे तो छाले 7 से 10 दिनों के अंदर अपने आप ही चले जाते हैं, लेकिन फिर भी इनकी वजह से खाना खाने में बहुत तकलीफ और दर्द सहना पड़ता है। आपको बता दें कि आप घरेलू नुस्खों की मदद से भी जीभ पर छाले का इलाज कर सकते हैं। ये नुस्खे इस्तेमाल के लिए बिल्कुल और इनका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। आज की इस वीडियो में हम जीभ के छालों के कुछ घरेलू उपाय बताएंगे, तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें और हमारे साथ बने रहें। नमक में सोडियम क्लोराइड होता है जो छाले के दर्द और सूजन को कम करने में मदद करता है। इसके एंटीबैक्टीरियल गुण भी जीभ पर छाले होने से संबंधित संक्रमण को दूर कर सकते हैं। 1 कप गर्म पानी में 1 चम्मच नमक डालकर मिक्स करें। अब इस मिश्रण से कुल्ला करें। आपको दिन में कई बार ऐसा करना है। लौंग में एगुनोल होता है जो कि सूजन रोधी और बैक्टीरिया रोधी गुणों से युक्त होता है। जीभ के छाले ठीक करने के लिए 1 कप गर्म पानी में लौंग के तेल की 3 से 4 बूंदें डालें और इस मिश्रण से कुल्ला करें। आपको ये उपाय दिन में 3 से 4 बार करना है। बर्फ में दर्द निवारक और सूजन रोधी गुण होते हैं। ये जीभ के छालों पर हो रही दर्द और सूजन को कम करने में मदद कर सकते हैं। छाले पर बर्फ का टुकड़ा रखें। जब तक बर्दाश्त हो तब तक बर्फ को रखा रहने दें और फिर कुछ सेकंड के लिए हटाकर इसे दोबारा लगाएं। आप बर्फ की जगह ठंडे पानी को भी छाले के ऊपर लगा सकते हैं। आप दिन में कई बार ये उपाय कर सकते हैं। तुलसी में एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटी बैक्टीरियल और एंटीसेप्टिक गुण होते हैं। जीभ पर छाले से छुटकारा पाने के लिए आप तुलसी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तुलसी की 2-3 पत्तियां लें और उन पर नमक डालकर चबाएं। तुलसी का जो रस निकले उसे अंदर निगल लें। ये उपाय दिन में 2 से 3 बार करें। हल्दी सूजन और दर्द को कम करने में मदद कर सकती है। हल्दी में थोड़ा सा शहद या दूध मिलाकर अंगुली से छाले के ऊपर लगाएं। इसे कुछ मिनट तक लगा रहने दें और फिर गुनगुने पानी से कुल्ला कर लें। एलोवेरा जेल में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, इसलिए जीभ के छालों के इलाज के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। एलोवेरा जेल दर्द और सूजन को कम करता है। थोड़ा सा एलोवेरा जेल लें और उसे 5 मिनट के लिए छाले पर लगाएं। इसके बाद गुनगुने पानी से कुल्ला कर लें। लहसुन और अदरक, इन दोनों जड़ी बूटियों में एंटी इंफ्लेमेटरी दर्द निवारक और माइक्रोबियल रोधी गुण पाए जाते हैं। जीभ के छाले हटाने के लिए आप इन दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस उपाय के लिए आपको 2 से 3 लहसुन की कलियां और 1 इंच की अदरक की ज़रूरत पड़ेगी। दिन में कई बार लहसुन और अदरक को चबाएं। आप अपने खाने में भी इन दोनों चीज़ों को ज़रूर मिलाएं।